just need a little bit of patience. हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग. गाइज, आज का सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं अपने फर्स्ट डोज के लिए कोविड वैक्सीनेशन के. फिलहाल अभी मैंने नहा धोकर मैं रेडी हो गया हूँ, क्योंकि वैक्सीन के बाद फीवर आ जाता है, फिर नहाना रिस्की रहेगा, तो मैं पहले से ही नहा लिया. साथ में मेरे फैजान भी जाने वाला है, इसका भी आज फर्स्ट डोज होने वाला है, तो हम दोनों नहा धो के जा रहे हैं. और अभी मैंने पता है क्या करा था, मैंने पूरा फुल स्लीव का शर्ट पहन लिया था, और वो शर्ट की स्लीव्स जो इतनी टाइट थी ऊपर हो ही नहीं रही थी. फिर मुझे याद आया भाई के टी शर्ट पहन के जाते हैं, नहीं तो वो स्लीव ऊपर ही नहीं होगी तो वो वैक्सीन कैसे लगाएंगे. तो फिर मैंने हाफ स्लीव की टी शर्ट पहन ली. आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये इतना लेट इसका वैक्सीनेशन क्यों करवा रहा है, जबकि आप सब तो ऑलरेडी अपना वैक्सीनेशन करवा चुके होंगे. मेरे भी सभी ऑलमोस्ट सारे दोस्त अपना फर्स्ट डोज ले चुके हैं, कुछ लोग तो सेकंड भी ले चुके हैं, कुछ लोग के अब सेकंड डोज की बारी आने वाली है. बट मेरा रीज़न ये था कि मैं आप बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, आप सबको पता ही होगा, मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे पहले अभी बीच में, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस थी मेरे अंदर. तो हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि फ़िज़िकली फ़िट हो जाओ ना, उसके बाद ही वैक्सीनेशन अपना करवाना. तो यही रीज़न है कि मैं इतना लेट वैक्सीनेशन करवा रहा हूँ. तो गाइज़, हम पहुँचने वाले अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर. तो कुछ इस तरह का है ये वैक्सीनेशन सेंटर, एक पानी की टंकी के नीचे बना है, और यहाँ पर फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है. कुछ जगहों पर चार्जेबल हो रहा है, बट यहाँ फ्री है, तो हम यहाँ पर आए हैं. और अभी हम वेट कर रहे हैं. कोविशील्ड वैक्सीन मुझे लगने वाली है, इसके दो डोज़ होते हैं, सेकेंड डोज 84 डेज़ के बाद मुझे लगने वाला है. तो गाइज़, मुझे अपनी कोविड वैक्सीन का फ़र्स्ट डोज़ लग चुका है. अभी फैजान भी गया है अपना फ़र्स्ट डोज़ लगवाने. ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना हो रहा है जैसे कोई इंजेक्शन लगता है ना, ठीक वैसे ही पेन हो रहा है. तो गाइज़, हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है फ़र्स्ट डोज़, और जितना सोचा था उतना दर्द नहीं हो रहा है, बहुत कम दर्द है. तुझे हो रहा है? मुझे तो उस टाइम लगाया था जब हल्का सा ऐसा लगा था कि इंजेक्शन लगाते हैं ना. हाँ, तो इंजेक्शन ही रहता है, पर इंजेक्शन भी वो बहुत छोटा सा रहता है, तो इतना दर्द हुआ नहीं. मतलब मैं सोच रहा था काफ़ी दर्द होगा, उतना हुआ नहीं. और जिन्होंने लगाया था वो भी बता रहे थे कि यार वो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो अभी तक तो कुछ दर्द फील हुआ नहीं है. हाँ, अभी हमको लगा के आए को करीब एक घंटा हो चुका है ना. हाँ, एक घंटा हो चुका है, अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है. एक घंटे से ज़्यादा. बहुत से लोगों को एक दिन बाद फील होता है, तो देखते हो सकता है हमें कल दर्द हो. और अभी फीवर जैसा भी कुछ लग नहीं रहा है, तो आई होप फीवर ना ही आए तो अच्छा है. ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ है, लेकिन जो जब उन्होंने लगाया था तो उन्होंने बोला था कि घर जाके एक पैरासीटामोल खा लेना. हाँ, तो खा लिया है मैंने. खा लिया है वो, मैंने भी खा लिया, तो मुझे लगता नहीं अब फीवर भी आएगा. अभी हम बहुत हेवी नाश्ता करके गए थे, और नाश्ता हैवी करने के बाद ही वैक्सीन लगवाना चाहिए. मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि नाश्ता करके जाना अच्छा हैवी, और उसके बाद ही वैक्सीन लगवाना तो सही रहेगा. और ऐसा ही हमने किया, बट उसके बाद भी अभी हमें फिर से भूख लगने लगी है. और अभी हम लंच करने वाले हैं, और आज कुछ स्पेशल बनाए फैज़ान की रिक्वेस्ट पर. तो फैज़ान ने क्या बनवाया है वो देखते हैं. इसने कोई पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर्स के वीडियो बहुत देखता है, तो उसमें देखा था इसने, तो इसने सोचा अपन भी ट्राई तो करते हैं. देखा है कि मतलब वहाँ पर ये चने पराठा और हलवा बहुत ज़्यादा नाश्ते में खाते हैं लोग. बाग हम फूड ब्लॉग्स देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बताते हैं, और बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं लोग. बाग फूड ब्लॉग्स देखने में हमें बहुत मज़ा आता है, अलग अलग कंट्रीज़ के फूड ब्लॉग्स देखते हैं हम. वो हलवे को पूरी के साथ खाते हैं, लेकिन पूरी मुझे इतनी पसंद नहीं है. पूरी मुझे भी पसंद नहीं है. कुछ लोग पराठे से भी खाते हैं हलवे को, वैसे हम ऐसे खाते नहीं है हलवा. हम तो डायरेक्ट स्पून से ही खाते हैं हलवा, बाकी टेस्ट करके देखते हैं पराठे से कैसा लगता है. हाँ, तो ये पराठे हैं, ये चने हैं, ये थोड़ी ऑनियन लिए, और ये हलवा है, सूजी का हलवा. तो फैजान हलवे से खाएगा पराठा पहली बार अच्छा लग रहा है हलवे से. मैं सोचता हूँ डायरेक्ट अगर खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सही है. चना टेस्ट करते. करो टेस्ट करो. इसका मुझे कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चना पराठा. हाँ, हलवे के मुकाबले. हाँ, हलवे हलवा पूरी से या पराठे से कौन खाता, मुझे समझ नहीं आता भाई. यहाँ पे खीर वगैरह चलती है, मैंने पहली बार सुना ये कॉन्सेप्ट. हाँ, खीर पूरी ज़रूर चलती है, खीर खाते हैं पूरी से, बट हलवा पूरी से, हलवा पूरी इतना नहीं चलता. हलवा पूरी अपने इंदौर में नहीं चलता, इंडिया में भी बहुत लोग हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं, दिल्ली या हैदराबाद वगैरह ऐसी जगहों पर शायद, जितना मुझे याद है मैंने देखा. मुझे इतना कुछ मज़ा नहीं आया, मुझे डायरेक्ट मैं हलवा खाऊंगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा. चने के साथ मुझे पराठा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और चने तो डायरेक्ट खा भी नहीं सकते ना, वो तो पराठे से ही खाना है, तो वो तो अच्छा ही लगेगा. अच्छा ही लग रहा है बिल्कुल.
तो गाइज अभी हम आए हैं वॉक पे, रात हो गई है। अभी इस व्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आज ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाए हम, तो हर बार की तरह आज भी मेरे साथ है नितेश और जाहिद। हम अलग अलग रूट पे जाते हैं डेली। ये रूट हमारा फेवरेट है पर क्योंकि यहाँ पे एकदम खाली खाली सा रहता है। तो अभी हम चल के वॉक करके बहुत सारी कैलोरीज बर्न करके आए थे, पर जाहिद का इरादा हुआ बर्गर खाने का। अब जितनी कैलोरीज हमने बर्न करी उससे ज़्यादा हम वापस अपने अंदर ले लेंगे। अभी मैकडोनल्ड्स में आए हुए, तीन बर्गर ले लिए। वैसे हम खाना खा के वॉक पे निकले थे, बट जाहिद भाई का दिल हुआ, जाहिद की तरफ से ट्रीट मिल रही है हमें बर्गर की। फ्री के बर्गर को हम ना नहीं कहते। तो बर्गर खा के बाहर आ चुके हैं और बर्गर तो बहुत ही बढ़िया था, बट हाँ हमने खाना खाया हुआ था उसके ऊपर और बर्गर खा लिया, तो पेट बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है मेरे को तो। पर जाहिद के पेट में अभी इतनी जगह है कि वो दो तीन बर्गर और खा सकता है। क्यों जाहिद? आराम से खा लेगा। माइक नहीं है अभी तो, आवाज़ कम आ रही होगी आप। अभी तो आवाज़ भी हमारी भी कम ही है। अभी हम बहुत ज़्यादा वॉक करके आए ना, बहुत लंबा वॉक करके आए तो एनर्जी डाउन है, बट बर्गर खाने के बाद थोड़ी एनर्जी आ गई है। तो गाइज अभी हम सांवेर आए हुए हैं, तीन दिन के बाद मैं इस व्लॉग को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इसलिए। अभी हम सांवेर इसलिए आए, एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग थी हमारी, और तीन दिन के बाद ये इस व्लॉग को इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि मैं आपको अपडेट दे सकूँ वैक्सीन लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो वैक्सीन लगाई थी मैंने, फैज़ान ने और अम्मी ने, और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, हाथ में थोड़ा सा हल्का सा पेन था, ज़्यादा नहीं था, पर फैज़ान और अम्मी को फ़ीवर आया था, मुझे फ़ीवर भी नहीं आया। तो मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हाँ भाई अपन स्ट्रॉन्ग है। मेरे साथ साहिल भी यहाँ पर आया हुआ है, और साहिल तुझे भी फीवर नहीं आया था ना? बिल्कुल भी नहीं आया था ना, हाथ में दर्द हुआ था। हमारे साथ सरफराज भी है। मुझे भी नहीं आया। वैक्सीन लगा ली तूने? लगा ली। तो सेकंड लगने वाली है इसका, तो सेकंड डोज लगने वाला है। साहिल को भी लगने वाला है सेकंड डोज। हमने बहुत लेट लगाया, अभी मेरे 89 डेज बचे हैं सेकंड डोज के लिए, तो देखते हैं अब सेकंड डोज में क्या होता है। तीन दिन के बाद हमने ये व्लॉग इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट दे सकूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा लोग बोल रहे थे, कई लोग अफवाहें भी उड़ाते हैं कि वैक्सीन से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब टेंशन फ्री हो गए, वैक्सीन लगा लिए। और गाइज अब इस व्लॉग को यही एंड करते हैं क्योंकि फैमिली वाले हमारे बुला रहे, आपको बताया मैंने छोटी सी फैमिली गैदरिंग, और वो बोलेंगे फिर के यहाँ पे आके भी इन्होंने यही काम शुरू कर दिया वीडियो बनाना, तो हमें जाना पड़ेगा। तो टाटा बाय बाय, ख़त्म। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।